वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी डीआईवाई, कैसे आप किसी भी जीन्स से ये ब्यूटीफुल सी स्कर्ट बना सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, कोई भी डिज़ाइंस भेजने के लिए या कुछ भी न्यू सेंड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये जीन्स, जो कि एक्सेल साइज जीन्स है। तो सबसे पहले जीन्स के मैं बॉटम को रिमूव कर लूँगी, कि बॉटम का ये पार्ट थोड़ा सा मोटा रहता है तो उसे मैं पहले रिमूव कर लूँगी। सो दोनों लेग्स में हमें सेम इसी तरह से रिमूव कर लेना है। तो इसे रिमूव करने के बाद हमें इसे क्रॉच एरिया से कट करना होगा। तो यहाँ पर दोनों लेग्स अलग हो गए। अब हमें इसे बन साइड से ओपन करना होगा, तो हमें इसे इस तरह से पुल करते हुए निकाल लेना होगा, क्योंकि इसको उधेड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से खींचते हुए आसानी से आप इसे उधेड़ सकते हो। तो सेम दूसरी लेग भी मैं इसी तरह से ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें दो पार्ट्स मिल गए हैं। तो अब इस पार्ट्स को हमें वी से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसे सेंटर से कट कर लूँगी। तो दोनों पार्ट्स को हमें सेंटर से कट करना होगा, जिससे हमें चार लेयर मिल जाएंगी फैब्रिक की। तो यहाँ पर जो एक पार्ट है हमें उसे बराबर कर लेना होगा, इस तरह से डबल फोल्ड करना होगा। इस पर इसकी लेंथ हमें देख लेनी होगी, और उसके बाद 7 इंच पे हमें इस पर मार्किंग करनी होगी। तो इसकी लेंथ यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जो कि स्कर्ट का ऊपर का पार्ट रहेगा। हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। इसकी जो लंबाई अराउंड हमें मिली है 29 to 30 inches। तो यहाँ पर जो कमर का मेज़रमेंट है हमारे पास 24 inch है। इसके बाद जो बाकी का दूसरा पार्ट है उसे भी मैं सेंटर से कट कर लूँगी। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे कट कर लेना होगा, क्योंकि जो थोड़ा तिरछा फैब्रिक है हमें उसे सीधा करना है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से जो तीन लेयर बचेंगी वो तीनों को हमें इस तरह से कट करना होगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास ये तीन लेयर्स हैं, हमें इसे ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ मैं इसको सिल लेना होगा, तीनों को हमें एक साथ ज्वाइन करते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का पार्ट लिया है, तो अब यहाँ पर मैं इसकी बेल्ट क्रिएट करूँगी। तो बेल्ट के लिए अराउंड 1 inch हमें ऊपर से फोल्ड करना रहेगा। तो 1 inch से 1-2 point आप ज़्यादा भी ले सकते हो। हमारा स्कर्ट का ऊपर का पार्ट रेडी हो गया। अब हमने जो तीन पार्ट्स ज्वाइंट किए थे, देख सकते हैं मैंने तीनों पार्ट्स को, जो हमारी लेयर्स थी उन्हें अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको इस फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो हमें इसे इस तरह से ऊपर उल्टी साइड मैंने रखा है, नीचे की साइड सीधा है। इस तरह से इसे रखते हुए पहले हमें 2 inch पे मार्किंग कर लेनी होगी प्लेट्स देने के लिए। यहाँ पर हम बॉक्स प्लेटेड क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं 2-2 inch पे मार्किंग कर रही हूँ, जिससे आप इजीली प्लेट्स को डाल सकती हो। प्लेट्स आपकी छोटी बड़ी भी नहीं होंगी। तो लास्ट तक मैं 2-2 inch पर मार्किंग कर लूँगी।
तो जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहीं से हमें फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट्स देते जाना होगा। एक प्लेट मैं बाहर की तरफ दे रही हूँ और एक अंदर की साइड दे रही हूँ। सो जहाँ मैंने मार्क किया था वहीं से मैं प्लेट्स देते जाऊँगी। इससे आप बहुत आसानी से प्लेट्स बना सकते हो। तो सारी प्लेट्स हमें इसी तरह से बनानी होंगी। एक बार हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना, एक साइड हमें इस तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है सेम हमें उसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए प्लेट्स को लास्ट तक सिल लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी प्लेट्स को लास्ट तक अटैच कर लिया। और अगर एंड में फैब्रिक कम या ज़्यादा भी होता है तो आप उसे कट कर सकते हो। अब इस पर मैं ऊपर से एक सिलाई दे दूँगी। तो इसी तरह से आपको ऊपर से भी इस पर एक सिलाई दे देनी होगी ताकि प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं। के बाद मैंने यहाँ पर एक इंच चौड़ाई की इलास्टिक ले ली है और इसकी लेंथ मैं अराउंड दूंगी 22 इंच, जो कि मैंने 24 वेस्ट से 1-2 इंच कम रखा है। अब मैं इलास्टिक को पिन की हेल्प से इस बेल्ट में डाल लूँगी। यहाँ मैंने इलास्टिक को इस तरह से डाल लिया। अब हमें इसे उल्टी साइड से इसको सिलना होगा साइड से। तो यहाँ ऊपर इलास्टिक से नीचे तक मैं इसको सिल दूंगी। मैंने साइड से इसको बंद कर लिया। अब इसका जो बॉटम है मैं उसे भी हेम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस पर पिको कर रही हूँ। तो पिको से काफ़ी अच्छी फ्लेयर आ जाती है। आप चाहे ऐसे डायरेक्टली हेम कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने बॉटम को भी पिको कर लिया है। बाद मैंने यहाँ पर ये कुछ बचा हुआ फैब्रिक लिया है तो इसको हमें इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स देते हुए बीच में से लेना होगा। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस पे मैंने बीच में सिलाई दे दी है छोटे छोटे प्लेट्स देते हुए। तो हमें इसे इस तरह से राउंड घुमाते जाना है और एक फ्लावर क्रिएट कर लेना होगा और हमें इसे सुई से सिल लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने दो फ्लावर बना लिए हैं। मैं इनको स्कर्ट के साइड पर अटैच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ईजली हमने ये जीन्स से ये प्रिटी सी स्कर्ट क्रिएट कर ली है। सो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।